वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सूखा बांगड़ा, मतलब कि सूखी मछली। बहुत मज़ेदार बनती है। आपने अगर इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार हमारे बताने से इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक इसे भिगा दिया। जितना ज़्यादा भिगाएंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास, इसलिए हमने इसे 10-15 मिनट ही भिगाया। अब आपको क्या करना है, इसकी जो दुम है इसको हटा देना है कुछ इस तरीके से। बाकी जो पर वगैरह है वो तो निकले हुए होते हैं इसके साइड में, अगर आपको नज़र आते हैं तो थोड़ा सा इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ से भी इसे थोड़ा सा साफ कर लेंगे। तो ये हमने इसे साफ कर लिया। बस अब इसके हमें पीसेस कर लेना है। हमने कम वक्त के लिए भिगाया था इसे, थोड़ा सा एक कड़क है। अब हमें इसे छोटे छोटे से पीसेस करना है। कुछ इस तरीके से तो ये हमारी फिर जो है तैयार होगी। चलिए अब चलते हैं इसे बनाने। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने अपने गैस को ऑन कर दिया है, प्यारी सी कढ़ाई को रख दिया है। इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल डाल रहे हैं हम कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं प्याज। इसमें प्याज को थोड़ा सा हमें लाल कर लेना है, गुलाबी हो जाए बस, एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। साथ में इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च से भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। आपकी मर्जी, आपको जितना डालना है आप डालिए। जब ये पक जाता है मसाले में, तो जो हरी मिर्च है ये बहुत मजेदार लगती है, तो आप जितना चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5-6 हरी मिर्च डाल दिया। एक हाथ खुला देते हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं करिया पात। मेन खुशबू, मेन टेस्ट इस करी पत्ते से आता है। इतनी प्यारी से खुशबू आ रही है इस वक्त हरी मिर्ची की और करिया पत्ता की। करेली, करी पत्ता, करिया पात, हमने हमारी करिया पात कहती है। तो थोड़ा सा इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज है वो नरम हो चुकी है और बहुत प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू आना शुरू हुई है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो देखिए ये हो गई है यहाँ पे। चलिए अब इसमें डाल देते हैं मसाले, जो कि कुछ यूँ है। सबसे पहले 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं हल्दी, उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। चटपटा बनाने के लिए 2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि जो फिश है वो ऑलरेडी सॉल्टेड है, क्योंकि नमक लगा के ही सुखाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा यहाँ पे कि आपको कितना नमक डालना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि एकदम खूब तेज़ हो जाए। तो ये इसमें मसाले चले गए। अब एक मेन चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं और वो है फिश मसाला। तो ये ऑलरेडी रेडीमेड वाला मसाला है, थोड़ा सा डाल रहे हैं, इससे एक अच्छी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये फिश मसाला हमने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। अब जो टमाटर डालने के बाद, बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, थोड़ा सा बस पक जाए टमाटर इतना ही। चल इसे मिला देते हैं और थोड़ा सा पकने देते हैं। कितना प्यारी खुशबू और कितना प्यारा कलर,
इसे थोड़ा सा जो है टमाटर को नरम होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टमाटर है काफी हद तक नरम हो गए हैं और जो उसका जूस छूटा है टमाटर का उसमें प्याज भी थोड़ी सी नरम हो गई है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारी सूखी कटी हुई फिश, सूखा बांगड़ा। तो ये हमने फिश डाल दिया इसमें, अब इसे मिक्स कर देते हैं। सूखे हुए झींगे और सूखी हुई मछली बड़ी टेस्टी बनती है, गर्मा गर्म रोटी के साथ अच्छी लगती है, या अगर आप चावल के साथ इसे खा रहे हैं तो फीकी वाली दाल बना लें तुअर की और इसे साइड में रखें, बहुत मज़ेदार लगती है। इससे पहले हम सूखे झींगे की रेसिपी दे चुके हैं और सूखे झींगे की चटनी कैसे बनती है वो भी हम आपको बता चुके हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, जिसके लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो बस यहाँ पे ये ऑलरेडी पक गया है क्योंकि भीगी हुई मछली थी, थोड़ा सा एक मिनट और पकाएंगे और बस इसे सर्व करेंगे। तो ये बिल्कुल भी रेडी हो गई है दोस्तों। चलिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद। दोस्तों इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए और खाइए और बताइए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान तरीके से बन जाती है। कभी ऐसा हो कि घर में गोश्त खाते खाते बोर हो गए हों या चिकन खाते खाते बोर हो गए हों और फिश अभी लाने वाला कोई नहीं है, तो आप इस तरीके से सूखी मछली, सूखे झींगे ये सब अपने घर में रखिए ताकि बहुत जल्दी से आप ही बना लें। और एक बार ज़रूर ट्राई करिए जैसे हमने आपको बताया है, और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक मज़ेदार से झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ, लेकिन बिल्कुल भी गारंटी और यकीनन बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।